एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर स्टडिंग। सो फ्रेंड्स, ये जो हमारी छोटी सी वीडियो रहने वाली है उसमें हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ मैंने एवेल्यूएशन लिखा है, मूल्यांकन लिखा है, बट हम लोग स्पेशली इस वीडियो में मूल्यांकन नहीं पढ़ेंगे। टिल मिडनाइट मैं आप लोगों को इवेल्यूएशन की जो पूरी कंप्लीट वीडियो है वो दे दूंगी। थोड़ा लेंथी टॉपिक है, समझने में और मुझे नोट्स बनाने में भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें, ठीक है, बट टाइम टेकिंग है। जो भी आउटपुट आएगा वो हमारा वर्थ रहेगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। वीडियो आ जाएगी आप लोगों की। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग इवेल्यूएशन के ही एक पार्ट को पढ़ेंगे जिससे कि क्वेश्चन बना था और बहुत ही शॉर्ट सा टॉपिक है। तो चलिए क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, व्हाट टाइप ऑफ इवेल्यूएशन आइडेंटिफाइज लर्निंग डिफिशियंसिस एंड डिफ़िकल्टीज ऑफ द लर्नर्स। ठीक है, जो बच्चा है सीख रहा है, ठीक है, किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षार्थियों की सीखने की कमियों और कठिनाइयों का पहचान करता है, मतलब कि कौन सा वह आकलन या मूल्यांकन का तरीका है जिससे कि हम बच्चों की सीखने की कठिनाइयों या कमियों का पहचान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है प्लेसमेंट, सबमिटिव, कंटिन्यूस, डायग्नोस्टिक। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग डायग्नोस्टिक और रिमेडियल के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर ये क्या होता है। बस बेसिकली ये जो हमारा वीडियो है वो उसी के अराउंड है कि डायग्नोस्टिक टीचिंग क्या होती है और रिमेडियल टीचिंग क्या होती है। जब हम शिक्षण करते हैं तो एक प्रकार से जब हम मूल्यांकन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम लोग डायग्नोस्टिक टीचिंग और रिमेडियल टीचिंग की बात करते हैं। डायग्नोस्टिक हो गया हमारा निदानात्मक शिक्षण और रिमेडियल क्या हो गया, उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट हमारा क्या है, डायग्नोस्टिक टीचिंग क्या होती है। डायग्नोस्टिक टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द लर्निंग डिफिकल्टीज, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, डायग्नोस्टिक टीचिंग आखिर क्या होती है कि एक प्रक्रिया है जिसमें कि हम बच्चों की लर्निंग डिफिकल्टीज, जो सीखने में उन्हें कठिनाई आ रही है, जो कमियाँ आ रही हैं, उन्हें पता लगाना, उनका पता लगाना, ठीक है, प्रॉब्लम का पता लगाना, यही क्या है, डायग्नोस्टिक टीचिंग है। ठीक है, और इसमें हमें क्या पता चलता है, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, बच्चों की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या कमियां हैं, क्या लर्निंग गैप रह गई है, वो सब हम किससे पता लगा पाते हैं, डायग्नोस्टिक टीचिंग से। ठीक है, एंड वही चीज़ मैंने हिंदी में लिखी है। ठीक है, या शिक्षकों की सीखने की कठिनाइयों, ठीक है, तो जो बच्चा है उसके सीखने की कठिनाइयों का पता लगाता है और बच्चे के पिछड़ेपन होने का कारण ढूंढना ही निदान कहलाता है। ठीक है, तो बच्चे क्यों पीछे रह जा रहे हैं, ठीक है, क्या कठिनाई है, क्या लर्निंग गैप है, उसका ही कारण ढूंढना, ठीक है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, यही क्या है, डायग्नोस्टिक टीचिंग। और ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो एक तो हम क्लास में जब पढ़ा रहे होते हैं तो उसी के दौरान जो हम असेसमेंट करते हैं, ठीक है, उससे भी हमें पता चलता है कि बच्चा किन सवालों का जवाब दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, तो उससे भी हमें उनकी प्रॉब्लम्स का पता चलेगा। उसके अलावा बच्चों से ही हम साक्षात्कार करके, इंटरव्यू लेकर, इंटरव्यू इन सेंस है कि उनसे ही पूछ करके, ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन क्लास एनवायरनमेंट में हम लोगों को ऑब्जर्व करके भी पता चलता है कि कौन सा बच्चा किस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है, किसका आंसर दे पा रहा है, किसका नहीं दे पा रहा है। ठीक है, फिर हम टेस्ट जो भी लेते हैं उससे भी हमें पता चलता है कि बच्चे की आखिर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डायग्नोस्टिक टीचिंग। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं रिमेडियल टीचिंग आखिर क्या होती है। रिमेडियल टीचिंग का मतलब है उपचारात्मक शिक्षण। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द पीपल्स लर्निंग डिफिकल्टीज। ठीक है, ये क्या है, एक प्रोसेस है जिससे कि पीपल्स यानी कि शिष्य के लर्निंग डिफिकल्टीज को दूर किया जाता है। ठीक है, डायग्नोस्टिक में हम लोग क्या बात कर रहे थे कि प्रॉब्लम का हम लोग पता लगाएंगे कि बच्चे को लर्निंग की डिफिकल्टी कहाँ है। अब हमें जब वो डिफिकल्टी पता लग गई तब हम क्या करेंगे, उन डिफिकल्टीज को दूर करेंगे। ठीक है, तो जब दूर हम कर रहे हैं, प्रॉब्लम को दूर कर रहे हैं, तो रिमेडियल टीचिंग हो गया और जो हमारा पता लगाने वाली जो चीज़ थी वो डायग्नोस्टिक टीचिंग। ठीक है, इसके अलावा मैंने क्या लिखा है, इट इज़ प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शनल करेक्टिव्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को क्या करेक्ट इंस्ट्रक्शनल करेक्टिव्स, ठीक है, कि किस तरह से वो लोग अपनी लर्निंग कैपेसिटी को बेहतर कर सकते हैं, क्या करेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं, उन बच्चों को हम क्या बताते हैं, वही बताते हैं, एंड प्रोवाइड सॉल्यूशंस। ठीक है, और जो भी उनकी डिफ़िकल्टी रहती है उसकी सॉल्यूशन को भी हम लोग उन्हें प्रोवाइड करते हैं, यही क्या होती है, रिमेडियल टीचिंग होती है। ठीक है, तो हिंदी में भी देख लीजिए, बच्चों की कमियों का पता लगाने के बाद, तो पता हमने लगा लिया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्नोस करेंगे, उसके बाद ही तो हम क्या करेंगे, समाधान करेंगे, के बाद उनका समाधान करना, फिर दोबारा शिक्षण कराना, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया हो कि रिमेडियल टीचिंग क्या होती है। बहुत ही ईजी सा टॉपिक है और ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, प्रोवाइड एक्स्ट्रा क्लास दे सकते हैं। ठीक है, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस दे सकते हैं, उस बच्चे के अनुसार क्या कर सकते हैं, टेस्ट पेपर्स सेट कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें
तो हम लोगों ने देख लिया डायग्नोस्टिक, जब प्रॉब्लम का पता लगा रहे हैं, रिमेडियल जब प्रॉब्लम का हम लोग सुधार कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में मैंने लिखा है, मुझे जहाँ से भी फ्रूटफुल क्वेश्चन दिखा तो मैंने इंक्लूड किया है, 4 से 5 ही क्वेश्चन है, बट या आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। शॉर्ट से टॉपिक है तो हम लोग ज़्यादा MCQ सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है हमें। तो जहाँ से मुझे जो बेहतर लगा वो मैंने रख लिया है इसमें। तो जो भी क्वेश्चन इंग्लिश में है तो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन हिंदी ऑल्सो। तो सम स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास आर रिपीटेडली नॉट एबल टू डू वेल इन मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन एंड टेस्ट्स एज अ टीचर यू वुड, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली बोला जा रहा है कि कुछ बच्चे हैं आपके क्लास में जो कि लगातार ही क्या कर रहे हैं कि मैथ्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मैथ्स के एग्जाम में टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो एज अ टीचर आप क्या करोगे, ठीक है। पहला ऑप्शन है हमारा गिव मोर टेस्ट फॉर प्रैक्टिस, क्या आप उन्हें और टेस्ट दोगे प्रैक्टिस करने के लिए। भी ऑप्शन है हमारा एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट डूइंग वेल, ठीक है। उन्हें क्या एक्सप्लेन करोगे कि आप अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंस उसके परिणाम क्या होंगे, क्या आप ये करोगे। नेक्स्ट है हमारा डायग्नोज द काउजेज एंड टेक अ स्टेप्स फॉर रेमिडिएशन, ठीक है। क्या उनकी जो लर्निंग डिफिकल्टी है डायग्नोज द काउजेज, ठीक है, क्या कारण है उन्हें पता लगाओगे और रेमिडिएशन के लिए स्टेप्स लोगे, ठीक है। क्या ये होगा हमारा ऑप्शन। और हमारा फोर्थ है मेक देम सिट विथ हाई अचीवर्स, क्या उन्हें आप उनसे ज़्यादा तेज बच्चों के साथ आप बैठाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा आंसर क्या होगा, तो अभी तक आप लोगों ने सोच लिया होगा सी हमारा आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग बेसिकली यहाँ पे बात करें कि हम लोग सबसे पहले क्या करें कि बच्चा क्यों गलत कर रहा है उसे हम लोग जानने की कोशिश करें, डायग्नोज करेंगे प्रॉब्लम को, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग स्टेप लेंगे उसके सुधार के लिए, ठीक है। तो यही हम अभी हमने पढ़ा डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज, ठीक है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज, निदानात्मक टेस्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। निदानात्मक परीक्षण जो हम लोग करते हैं, टेस्ट जो होता है, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, टू एम्फेसाइज होम ट्यूशन, ठीक है, कि बच्चों को होम ट्यूशन मिले, क्या ये होगा, तो ये तो बिल्कुल सही सा नहीं लग रहा है, ठीक है। टू प्रिपेयर रिपोर्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर करने के लिए क्या हमें डायग्नोस्टिक करना चाहिए, ठीक है, नहीं, बिल्कुल नहीं। टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड्स लर्निंग गैप्स, बच्चों की लर्निंग गैप्स कहाँ रह गई है, बच्चों की लर्निंग डिफ़िकल्टीज क्या है, उसे समझने में हमारी मदद करता है, तो हाँ ऐसा ही है, ठीक है। फोर्थ पे हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद कंफर्म हो जाएंगे। टू डिस्ट्रीब्यूट चिल्ड्रन इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अ क्लास, क्लास में जो बच्चे हैं जिन जो तेज हैं उनको एक साथ, और जो जिनमें जिनको लर्निंग डिफिकल्टीज है उनको एक साथ, क्या इस तरह सेक्शन हमें डिवाइड करना चाहिए, नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड्स लर्निंग गैप, ठीक है, बच्चों की लर्निंग में कहाँ कमी रह गई है वो पता लगाना ही क्या है, डायग्नोस्टिक है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं उपचारात्मक यानी कि रेमेडियल टीचिंग जो है हमारी, का प्रयोग जिन बच्चों के लिए किया जाता है वे हैं, किस प्रकार के बच्चों के लिए हम रेमेडियल टीचिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सामान्य बच्चे के लिए तो नहीं, ठीक है, समस्यात्मक बच्चे के लिए, ठीक है, हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सामान्य तथा समस्यात्मक बच्चों के लिए, देखिए सामान्य बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे हैं, तो हम लोग रेमेडियल टीचिंग का क्यों यूज़ करेंगे, है ना। जब वो नॉर्मल बच्चे हैं उन्हें आ रहा है समझ, तो हमें रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी चला गया। देन प्रतिभाशाली बच्चे, जो बच्चे बहुत तेज है, बहुत अच्छे हैं, तो उनके लिए बेसिकली यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम लोगों को रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रेमेडियल टीचिंग या उपचारात्मक विधि का प्रयोग हम लोग समस्यात्मक बच्चों के लिए करेंगे, जिन्हें लर्निंग में क्या है डिफ़िकल्टीज़ है, जिनकी लर्निंग में क्या है डिफिशियंसीज़ है, ठीक है, तो उनके लिए हम लोग रेमेडियल टीचिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिक्षण के उपरांत छात्रों की अधिगम संबंधी समस्याओं को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, ठीक है। शिक्षण के उपरांत, शिक्षण जब हमने टीचिंग जब बच्चों को कराई, तो उनके बाद उनकी लर्निंग डिफ़िकल्टीज जानने के लिए हम कौन सा परीक्षण करते हैं, तो हमारा डायग्नोस्टिक होगा या रेमेडियल, तो ठीक है, बहुत ही ईजी है, समस्या जानना है तो हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी मैंने हिंदी थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया ना, ठीक है, निदानात्मक ऊपर होता और उपचारात्मक नीचे होता, ठीक है, तो डायग्नोस्टिक या निदानात्मक हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्रायः ब्लैंक्स की ओर संकेत करते हैं, ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए कि बच्चे क्या गलती कर रहे हैं उसका अध्ययन करना चाहिए। क्यों अध्ययन करना चाहिए? भिन्न कार्य, भिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या की आवश्यकता, ठीक है, क्या अलग टाइप के सिलेबस या करिकुलम को बनाने के लिए? तो नहीं, हमें नहीं लग रहा है ऐसा। आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों के लिए, ठीक है, तो जब हम उन बच्चों की प्रॉब्लम जानेंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, उपचारात्मक या रिमीडियल टूल्स का इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। तो त्रुटि का हम पता लगाएंगे तभी हम लोग उपचारात्मक युक्तियों का यूज़ कर पाएंगे। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उनके ज्ञान की सीमा, तो ये भी कोई ऑप्शन सही नहीं हुआ। तो यहाँ पे फिफ्थ का हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक बहुत ही छोटे और बहुत ही प्यारे से टॉपिक को कवर किया। एंड या देखिए, और जो हमारा क्वेश्चन आया था वो भी क्या था, देख लेते हैं एक बार उसे भी। हमारा जो क्वेश्चन था वेयर इज़ दैट क्वेश्चन, ओके, व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन, किस तरह का मूल्यांकन हम लोग करते हैं बच्चों की डिफ़िकल्टी डिफिशियंसिस पता लगाने के लिए? तो वेरी सिंपल, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, डायग्नोस्टिक, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक शॉर्ट से टॉपिक को कवर किया। अब इवैल्यूएशन बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इवैल्यूएशन से आप लोग देख सकते हो कि किस तरह का क्वेश्चन आया है, थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ही आराम से समझेंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बट वी विल अंडरस्टैंड, ठीक है। तो बाय बाय, ठीक है।